हेलो, वेलकम टू दिस चैनल। आज हम इस वीडियो में एमपी जीके के 50 इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे। मध्य प्रदेश में जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इंदौर। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। उज्जैन में कुंभ मेला किस नदी के तट पर आयोजित होता है? शिप्रा में। मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इंदौर। मध्य प्रदेश में संगमरमर की चट्टाने किस शहर के पास स्थित है? जबलपुर शहर के पास। क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश भारत का कौन सा सबसे बड़ा राज्य है? दूसरा बड़ा राज्य है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? इंदौर। भोपाल गैस त्रासदी की घटना किस गैस के कारण हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के कारण। भोपाल गैस त्रासदी किस वर्ष में हुई थी? सन 1984 में। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल किस वर्ष बनी? सन 1956 में बनी। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में किस सम्राट द्वारा बनाया गया था? अशोक सम्राट द्वारा। मध्य प्रदेश में जजाई जल प्रपात किस नदी द्वारा बनाया गया है? बीहड़ नदी द्वारा। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल थे। किस वर्ष में कान्हा को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? सन 1973 में। जनसंख्या के हिसाब से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? हरदा। मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? मध्य प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री उमा भारती। एमपी के किस जिले में रेलवे स्लीपर निर्माण कारखाना स्थित है? सीहोर जिले में। मध्य प्रदेश में हर साल अखिल भारतीय शास्त्रीय नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? खजुराहो में। मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नर्मदा नदी। मध्य प्रदेश में कौन सी सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति है? गौड़ जनजाति। मध्य प्रदेश में मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या कितनी है? 46। किस वर्ष में खजुराहो समूह के स्मारक को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? 1986 में। अगर आपने इस चैनल के पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर विजिट कर सकते हो। मध्य प्रदेश भारत में कौन सा सबसे बड़ा जलाशय है? तांबा। मध्य प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? डॉक्टर पत्थाबी सीतारमैया। मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? 230। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले पर स्थित है? उमरिया जिले पर। मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 11। मध्य प्रदेश के राज्य पुष्प के रूप में किसे पहचाना जाता है? सफेद लिली। मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? 50। रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र पर शासन किया था? गोंडवाना क्षेत्र पर शासन किया था। मध्य प्रदेश के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? कांग्रेस के नर्मदा प्रसाद प्रजापति।
मध्य प्रदेश द्वारा देवी अहिल्या राष्ट्रीय पुरस्कार 2018 में किसे दिया गया? शांति देवी झा। मई 2019 में राज्य किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किए गए हैं? देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर में। जैन मंदिर के लिए प्रसिद्ध सोनागिरी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? दतिया जिले में। राला मंडल अभयारण्य राज्य के किस जिले में स्थित है? इंदौर जिले में। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प कौन सा है? सफेद लिली। मध्य प्रदेश में प्रथम खेल नीति किस वर्ष बनाई गई थी? 1990 में। कोल बेड मीथेन कहाँ पाई जाती है? शहडोल में। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन किस जिले में है? बालाघाट जिले में। पवन चक्की से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? इंदौर जिले में। तालाबों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? बालाघाट और सिवनी में। बिना ताप विद्युत गृह कहाँ स्थित है? सागर में। बाण सागर जल विद्युत केंद्र राज्य में कहाँ स्थित है? सिरमौर जिले में, रीवा में। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इंदौर। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने कहाँ से की थी? जबलपुर से। पीथमपुर औद्योगिक केंद्र को भारत का डेट्रॉइट कहा जाता है, यह किस जिले में स्थित है? धार जिले में। राज्य में सीमेंट उद्योग का केंद्र है? कैमूर, बानमोर, नीमच, सतना, मैहर। मध्य प्रदेश किन खनिजों उत्पादकों का सबसे बड़ा उत्पादक है? तांबा और हीरा। अभय खेल प्रशाल मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? जबलपुर में। रूप सिंह स्टेडियम स्थित है? ग्वालियर में। मध्य प्रदेश में भीम बेटिका कब खोजा गया था? 1957 में। तुलसी खोज संस्थान कहाँ स्थित है? चित्रकूट में। मध्य प्रदेश में पटवारी शाला केंद्र कहाँ स्थित है? जबलपुर, होशंगाबाद, उज्जैन में। कौन सा प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है? मांडू। बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रणय कथाओं के लिए जाना जाता है? हिंडोला महल। रानी रूपमती का महल और हिंडोला महल कहाँ स्थित है? मांडू में। ऑटोमोबाइल उद्योग समूह कहाँ पर है? पीथमपुर में। राजघाट बांध किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। राजघाट बांध वो किस और नाम से जाना जाता है? माता टीला और लक्ष्मीबाई परियोजना के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2008 में स्थापित राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ग्वालियर में। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर सामाजिक विश्वविद्यालय किसकी संस्था स्थापना जिसकी स्थापना मध्य प्रदेश के महू में कब की गई थी? 2015 में। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर सामाजिक विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना मध्य प्रदेश के महू में कब की गई थी? 2015 में। मध्य प्रदेश में महिला जेल कहाँ स्थित है? पन्ना में। राज्यपाल द्वारा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के 25वें मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ किसे दिलाई गई? जस्टिस अजय कुमार मित्तल। 3 नवंबर 2019 में। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के 24 में मुख्य न्यायाधीश कौन थे? श्री संजय कुमार सेठ। एमपी के वर्तमान लोकायुक्त कौन है? नरेश गुप्ता। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के सीनियर जज उमेश चंद्र माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है एमपी का उप लोक नियुक्ता। मध्य प्रदेश में खुली जेल कहाँ स्थित है? मुंगावली जिला, अशोकनगर और होशंगाबाद में, जबलपुर, सतना, इंदौर, सागर और भोपाल में। राज्य विद्युत मंडल जिसे शक्ति भवन के नाम से जाना जाता है कहाँ स्थित है?
जबलपुर में। अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो इस चैनल के साथ जुड़कर अपनी पढ़ाई को और बेहतर बना सकते हैं। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? सागर में। यूरेनियम उत्पादक है शहडोल। तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है बालाघाट, होशंगाबाद, सागर, जबलपुर। विश्व का पहला शिवलिंग संग्रहालय किस स्थान पर स्थापित किया जा रहा है? भोजपुर में। भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है ओरछा में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग कौन सा है? नर्मदापुरम। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल में स्थित है। लक्ष्मी नारायण मंदिर को वास्तुकला का एक अनूठा उदाहरण है जो किले और मंदिर का मिश्रण है, कहाँ पर स्थित है? ओरछा में। रानी दुर्गावती ने मध्य प्रदेश के की सियासत पर राज किया था? गोंडवाना। नोरता लोक नृत्य शैली किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? बुंदेलखंड में।